वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मुंबई में अनजान गैस की बदबू की वजह से कल देर रात मची अफरा तफरी, अब हालात काबू में आने की खबर। मुंबई के चैंबूर घाटों पर विक्रोली, गोवनी और पवई इलाके में आई थी बदबू की खबर। गोवनी में एक फार्मा कंपनी से गैस लीक की खबर। रात 10 बजे से मिलने लगी गैस लीक की खबर। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां उन अलग अलग इलाकों पर पहुंची। बीएमसी के अधिकारी लगातार मुंबई करों से कर रहे थे अपील, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया ट्वीट, डिजास्टर कंट्रोल टीम है सक्रिय। देश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार का सिलसिला, 24 घंटे में कोरोना के 9887 नए मरीज सामने आए। मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 294 लोगों की गई जान। इटली को पीछे छोड़ छठे नंबर पर पहुंचा भारत, अब तक 236,657 कोरोना केस, 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में रोजाना मौत के आंकड़े में आज मामूली कमी, बीते 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस 83,000 के पार पहुंचे, अब तक 2,969 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 44,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज। दिल्ली में अब तक 27,654 हुई संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में दिल्ली में 1,320 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के 53 मामले रिपोर्ट किए गए, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 761। तमिलनाडु में 30,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 1,500 नए मामले। केरल में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 108 नए केसेस। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना टेस्ट ना होने को लेकर सियासत तेज, केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों पर लगाया बेड की कालाबाजारी करने का आरोप। केजरीवाल ने निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की दी चेतावनी, अस्पतालों को के पीछे राजनीतिक सपोर्ट होने की बात कही। तुम्हें धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। निजी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन में आई केजरीवाल सरकार, सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। केजरीवाल ने बिना लक्षण वाले लोगों से कोरोना टेस्ट न कराने की अपील की। दिल्ली में 42 लैब में से 6 लैब पर कार्रवाई का भी दिया हवाला। डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली वालों के लिए हो इस्तेमाल। रिपोर्ट में कहा अगर दिल्ली के बाहर वालों के लिए खोले गए अस्पताल तो कोरोना के लिए तैयार बेड 3 दिन में हो जाएंगे फुल। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी, दिल्ली की बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में आज धरना प्रदर्शन। यूपी के हज मंत्री मोहसिन रजा का बयान, इस साल हज यात्रा संभव नहीं, जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे वो ले सकते हैं वापस। राजस्थान सरकार 8 जून से नहीं खोलेगी धार्मिक स्थल, कमेटी बनाकर मांगी रिपोर्ट। नोएडा में खुली कोरोना के इंतजामों की पोल, अस्पताल में भर्ती न करने पर एम्बुलेंस में गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। 8 महीने की गर्भवती महिला को सांस में थी तकलीफ, 6 अस्पतालों के काटे चक्कर, डीएम ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में भी इलाज न मिलने पर पिता को खोने वाली अमरप्रीत का छलका दर्द, केजरीवाल सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। अमरप्रीत के पिता को लोकनायक अस्पताल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया, इलाज में देरी की वजह से गई जान। वंदे भारत मिशन के लिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित कुछ देशों के लिए एयरलाइंस के टिकटों की बिक्री शुरू, 22,000 से ज्यादा बिक चुके हैं टिकट्स। दिल्ली में कोरोना संकट से ईडी का दफ्तर 48 घंटे के लिए बंद हुआ, ईडी दफ्तर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में ईडी दफ्तर के स्पेशल डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव, 10 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। NIA तक पहुंचा कोरोना, 1 कर्मचारी पॉजिटिव, संपर्क में आए 10 लोग क्वारंटीन। IGBP में 24 घंटे के अंदर 3 जवान कोरोना पॉजिटिव, 200 से ज्यादा जवान अब तक हो चुके हैं संक्रमित। पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर ई हमसा कोया की कोरोना से मौत, परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव। करीब 2 महीने बंद रहने के बाद यूपी में 8 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, शुरू हुआ साफ सफाई का काम। 9 जून से लखनऊ में चिड़ियाघर खोलने की भी तैयारी, फूड कोर्ट और कैंटीन रहेंगी बंद। अलीगढ़ के मेयर ने की मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस खोलने की मांग, 2 महीने से बंद दुकानों से लोगों की परेशानी का दिया हवाला। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूर, अनलॉक 1 में फिर पलायन को तैयार, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतार। अनलॉक 1 में भोपाल में शुरू हुई ऑटो सेवा, बिना मास्क के ऑटो में एंट्री नहीं, हाथों को भी कराया जा रहा है सैनिटाइज।
बेंगलुरु में प्राइवेट लैब में यात्रियों के बीच दिखे सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के बचाव में पीपीई किट में नजर आया कंडक्टर। नोएडा में जिम मालिकों का प्रदर्शन, जिम को खोलने की मांग। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का आदेश, आज देहरादून में बंद रहा बाजार। उत्तराखंड में 20 जून से 23 जून के बीच पूरी की जाएगी इंटरमीडिएट की अधूरी परीक्षाएं, लॉकडाउन की वजह से परीक्षा पर लगा था ब्रेक। उत्तराखंड में परीक्षाओं के लिए कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर कराए जा रहे हैं खाली, 19 जून तक पूरी की जाएगी कॉलेज में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान 74 दिनों तक एयरपोर्ट पर रहा घाना का फुटबॉलर, युवा सेना की मदद से रेस्क्यू। जमशेदपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 12 दुकानदारों पर केस दर्ज, दुकान का सामान जब्त। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना के सीधे टेस्ट पर लगी रोक, कोरोना लक्षण दिखने पर पहले दी जाएगी 5 दिन की दवा, उसके बाद होगा टेस्ट। राजस्थान में छात्रों ने कोरोना काल में 3 महीने का किराया माफ करने की मांग की, सरकार को 3500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ते का वायदा याद दिलाया। सिरसा में क्वारंटीन सेंटर में दंपत्ति ने मनाई 50वीं सालगिरह, केक काटकर मनाया जश्न। मुंबई में जिंदगी ट्रैक पर लाने की कोशिश, पार्कों में जॉगिंग करते नजर आ रहे लोग। कर्नाटक के शिमोगा में मंदिर की हो रही है साफ सफाई, अनलॉक वन में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल। महाकाल मंदिर के भक्तों के लिए खुलने की तैयारियां तेज, दर्शन की रूपरेखा को लेकर भी माता पची। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे मां गंगा से जोड़ा गया, अनलॉक वन में तेजी से शुरू हुआ मार्ग निर्माण का कार्य। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य जारी, मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य गद्दी स्थल का हो रहा निर्माण। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का सियासी संकट जारी, 3 और विधायक नील सिटी रिजॉर्ट में ठहरे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, ट्वीट किया, अच्छे काम करने पर जेल में डाला। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जवानी का अडवाणी बताया, एडीजी की जारी चिट्ठी पर पोस्टर दफ्तर के बाहर लगाया। दिल्ली हिंसा केस में पुलिस अब तक कुल 78 चार्जशीट कर चुकी है दाखिल, करीब 400 आरोपियों में 200 हिंदू 200 मुसलमान। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर पुलिस की खालिस्तान समर्थकों से हुई धक्का मुक्की, ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करने के लिए जुटे थे कट्टरपंथी। एलएसी विवाद को लेकर भारत चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच चली कल मैराथन बैठक, करीब 3 घंटे तक सीमा को लेकर हुई बातचीत। भारत का चीन को 2-2, अप्रैल तक वाली पोजीशन पर वापस लौटे चीन की फौज। चीन ने भारतीय सीमा पर बन रही सड़क पर जताई आपत्ति, भारत का काम रोकने से इनकार, कहा एलएसी के अंदर निर्माण कार्य। गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम करने की भारत ने कही बात, कहा वापस जाए चीनी सेना। सीमा विवाद को लेकर अभी आगे भी जारी रहेगी बातचीत, भारत का रुख बातचीत से निकलेगा हल। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की अगुवाई में हुई बैठक, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को करेंगे हालातों के बारे में ब्रीफ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के अधिकारी विदेश मंत्रालय को देंगे हालातों की जानकारी, अजीत डोभाल और पीएमओ को भी दी जाएगी रिपोर्ट। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर बोले राम माधव, ये सरकार की नीति नहीं लोगों की जन भावना है। आज तक से बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, चीन के मुद्दे पर सरकार के साथ। चीन को लेकर अमूल के कार्टून पर हंगामा, ट्विटर ने अकाउंट किया सस्पेंड, बाद में फैसला लिया वापस। दिल्ली के चावला इलाके में टिकटॉक वीडियो पर बवाल, वीडियो से नाराज आरोपियों ने टिकटॉक बनाने वाले पर तानी पिस्टल। अनलॉक वन शुरू होते ही यूपी में बदमाशों की ताबड़तोड़ धरपकड़ जारी, नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस ने लूट कर भाग रहे बदमाशों का किया एनकाउंटर, एक गिरफ्तार। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने पेश की मिसाल, बगैर मास्क पहने हॉटस्पॉट इलाके का कर रहे थे निरीक्षण, भरा 100 रुपए का चालान। जबलपुर से 15 किलोमीटर दूर बरेला टोल प्लाजा पर बवाल, टोल रसीद को लेकर वकीलों और टोल कर्मियों में झड़प। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लुधियाना में सुरक्षा सख्त, जगह जगह पुलिस बल तैनात। दरभंगा में बम धमाके को लेकर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने धमाके को बताया था पटाखा। अलीगढ़ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव, पुलिस ने शांत कराया मामला। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, अनामिका शुक्ला नाम की महिला टीचर 25 स्कूलों में कर रही थी काम। 6 जिलों के स्कूलों में काम करने की मिली है शिकायत, 1 करोड़ का वेतन लेने का मामला।
यूपी के हापुड़ में मृतक के परिजनों के साथ अस्पताल कर्मियों ने की जमकर मारपीट, कई लोग घायल, वीडियो वायरल, केस दर्ज। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में कार में मिली लाश, स्पेशल सेल में थे तैनात। शरीर में नहीं मिले किसी भी तरह के कोई घाव, दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल का थे हिस्सा। राजस्थान के पाली में रेहड़ी पटरी के दुकानदारों का हुआ नुकसान, आग लगने से जला सारा सामान। यूपी के एटा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, परिजनों ने फौरन गाड़ी से उतरकर बचाई जान। धार में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने की खुदकुशी, एक सब इंस्पेक्टर और दो आरक्षक लाइन हाजिर। अथनी के बाद अब गाय से दरिंदगी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गर्भवती गाय को किसी ने खिलाया बारूद का गोला, मुंह में धमाके से हुई लहूलुहान। राजस्थान के दौसा में पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 15 लोग घायल, दो लोगों की को लगी गोली। अलवर में 75 साल के बुजुर्ग ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने के बाद की खुदकुशी। ऊधम सिंह नगर के किछा के गांव में तेंदुए से दहशत, घात लगाकर बैल पर हमला करने का मोबाइल वीडियो हुआ वायरल। कैमूर में काली पूजा के दौरान मधुमक्खियों का हमला, एक शख्स की मौत, 25 घायल। अलीगढ़ में कुत्ते की डंडों से पीट पीट कर हत्या, वीडियो वायरल। झालावाड़ में मालिक की पत्नी के साथ खेत में मालिक ने किया बलात्कार, पति के साथ मारपीट। राजस्थान के नागौर में दो दलितों की पीट कर हुई हत्या, 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR। रामेश्वरम पुलिस ने 3 कार चोरों को दबोचा, 21 गाड़ियां बरामद। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन में रहा भटके 39 जानवरों को जंगल में छोड़ा गया, इनमें हिरण और अजगर तक शामिल। अमेरिका में थम नहीं रहा पुलिस बर्बरता में अवश्वेत, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बवाल, व्हाइट हाउस के बाहर फिर प्रदर्शन। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक प्रदर्शन, ब्लैक लाइफ मैटर्स के नारे के साथ लोग कर रहे विरोध। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर पोर्टलैंड में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया गैस का इस्तेमाल। अमेरिका से आक्रोश की लपटे लंदन पहुंची, सरकारी चेतावनी तोड़कर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लेबनान की राजधानी बैरूत में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प, आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।